जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप? कैसी चल रही है पढ़ाई? दिस इज़ विशाली एंड वेलकम बैक टू कर्मा स्पेस लाइव। यू आर वॉचिंग बिहाइंड द सीन्स ऑफ 75 डेज हार्ड चैलेंज। अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग, दिस इज डे टू ऑफ द 75 डेज हार्ड चैलेंज। एंड आज थोड़ी सी मॉर्निंग लेट स्टार्ट हुई है बिकॉज रात को बहुत लेट जा गए थे, अपन लाइव सेशन चल रहा था और टारगेट्स कंप्लीट नहीं हुए थे। सो बाय द वे, आपको लग रहा होगा कि ये सेकंड बालकनी का व्यू तो चेंज हो गया बिल्कुल, बिकॉज इज माय सेकंड बालकनी, दैट्स माय ओन बालकनी। लेट्स गो टू दैट एंड लेट्स गो टू द स्टडी रूम। पढ़ने का माहौल सेट करते हैं, फटाफट पढ़ाई शुरू करते हैं बिकॉज ऑलरेडी आज डे थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है। ओके, वी आर बैक टू अवर रूम एंड यस, दिस इज माय बालकनी। फाइनली लुकिंग गुड। पता, मैंने लोग का नाम रखा है, उसका नाम कड़ी ही है और इसका नाम है मनी, कि मनी अब बढ़ रहा है। ओके, लेट्स गो टू द स्टडी टेबल क्विकली। रात को मैंने ऐसे छोड़ दिया था भाई, 1:15 बज गए थे और मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो इसको फटाफट क्विकली थोड़ा समेटेंगे और उसके बाद नाश्ता करेंगे और फिर शुरू करेंगे। तब तक कर लेते हैं अपन सबसे पहले कॉम्बिंग, क्योंकि कॉम्बिंग मेक्स यू कॉमिंग। एक बार सुबह कॉम कर लिया और उसके बाद सीधी रात को सोने से पहले। चलो, सी यू ऑन अ ब्रेकफास्ट टेबल। ओके, सो अगर आपने अब तक ये चैलेंज नहीं लिया है तो प्लीज़ ले लो, एक महीने के लिए ले लो। बहुत टाइम बाद फाइनली आज मौसम अच्छा है, अब अपन ट्राईपॉड को सेट करके करेंगे टेबल की फटाफट सफाई। डजेंट मैटर कि आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल स्टेप्स आप भी अपने पढ़ाई में एग्जीक्यूट कर सकते हो, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो वी विल क्विकली मेक द स्टूडेंट्स ब्रेकफास्ट एंड गो बैक टू अवर स्टडी रूम। यस, टेबल अब लग रहा है सही। सबसे पहले मैं लिखूंगी अपने सारे टारगेट्स, क्योंकि रात को मैं लिख नहीं पाई थी। एंड इस माइक्रोफाइबर टॉवल को जिससे हमने टेबल को पोछा था, उसको हम यहाँ ट्राइपॉड पर रख देंगे। कहाँ तो भी रखूँ यार, पता है छोटी छोटी चीज़ों को हम जितना ऑर्गेनाइज कर लेते हैं ना, फिर हमारी बड़ी चीज़ें अपने आप, हमें मतलब मोटिवेशन मिल जाता है बड़ी चीज़ों को अपने आप करने का। अब मैं लाइव रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ऐसी कई बार होंगी चीज़ें कि नहीं। सो आज है सेप्टेम्बर 2 और मैं अपने सारे टारगेट्स आज यहीं ऐप में लिख रही हूँ। ये ऐप पता है एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल है और मुझे घर पर रहने के दौरान इसके बारे में पता चला था। इसकी बेस्ट बात ये है कि ये अगर मैं पोमोडोरो सेशन से पढ़ाई कर रही हूँ ना, तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक्स को स्टार्ट कर देता है। नॉर्मली मुझे जब मैं टाइमर सेट करती हूँ तो मैनुअली मुझे 10 मिनट पे क्लिक करना पड़ता है, फिर मुझे 50 मिनट करने पड़ते हैं। सो ये उससे बचा देता है। एंड दूसरी चीज़ की ये है कि अगर मैं यहाँ पे सारे टास्क देती हूँ ना, तो जिस तरीके से हमें डोपामाइन मिलता है टिक 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 करने पे, वैसे ही जब हमारे टास्क यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और जब उसमें क्लिक करते हैं तो इसमें एक अच्छे से साउंड आती है। सो दैट इज़ वेरी रिलैक्सिंग एंड कॉज ये डोपामाइन रिलीज बिकॉज ऑफ द टॉकेट कॉम्पिटिशन। इसके बारे में मैं आपको साइड में बता दूंगी कि ये कौन सा है। एंड सो फटाफट से हम अपने टारगेट्स को लिख लेते हैं एंड यस, माई ब्रेकफास्ट इज रेडी, सो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। एंड ऑन दिस नोट आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ ब्रेकफास्ट स्किप मत किया करो, घर पे खाओ, बाहर खाओ, पर प्लीज़ खाओ। कोशिश करो कि कोई इजी चीज़ घर पे बना के खाओ, दैट विल बी मोर बेटर, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। ओके, सो वन मोर थिंग, पढ़ाई के सेशंस मैं रिकॉर्ड करके वीडियो में नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी लाइव सेशंस कर रहे हैं। सो जो भी खाओ पर प्लीज़ नाश्ता स्किप मत करो। आज के मेरे सारे टारगेट सेट हो गए हैं। यहाँ पे 34 मिनट्स इसलिए शो कर रहा है बिकॉज रात को हमें 12 बजे क्रॉस हो गया था, दैट्स वाई। एंड हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें इंप्रैक्टिकल हो, लाइक कल मेरा ऑप्शनल छूट गया था, ठीक है, मैं सुबह लेट उठी थी इसलिए मैंने इसको आज डाला है। अब 4 घंटे मैं ऑप्शनल कैसे पढ़ूंगी और बाकी मेरे आज के टारगेट्स हैं ही। बट इसकी अच्छी बात यही है कि जब अगर मैं कोई टारगेट नहीं पूरा कर पाती हूँ तो फिर वो मुझे रेड में शो करता है कि आपको कंप्लीट करना है। तो अब चाहे मैं अपने ब्रेक्स को कम कर लूँ, बेसिकली वही मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपने ब्रेक्स को कम करूँ और उसके बाद जो है इसको कंप्लीट करूँ। सो लेट्स सी मैं इसमें से कितना कर पाती हूँ। अगेन आई वुड बी टेलिंग यू कि मैं पढ़ाई के टाइम को रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ इसमें बिकॉज हम लोग ऑलरेडी लाइव सेशंस कर रहे हैं एंड बहुत सीरियसली और जेन्युइनली कर रहे हैं। तो अगर आप भी कोई सीरियसली घर पे पढ़ाई कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं, कभी ऑन सच एनी ग्लूमी डे कि नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मुझे, आप अपना नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो और आई रीड ऑल द कमेंट्स। सो प्लीज़ लीव अ पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव कमेंट इफ़ यू फील लाइक शेयरिंग एनीथिंग, थैंक यू। बहुत लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है हियर एंड देयर कि आपका ऑप्शनल क्या है, आई थिंक नाउ यू हैव द आंसर। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो हमेशा आप इस तरीके से बुक्स पाइल अप करके रख लो और से इंक्लाइनेशन बना के पढ़ाई क्या करो, अदरवाइज कुछ टाइम बाद ना यू विल बी हैविंग द नेक पेन। सो आई डोंट वांट यू टू हैव दैट। मैंने बुक स्टैंड एक्चुअली लिया था बट इट्स नॉट दैट एफिशिएंट, ये उतना वर्किंग नहीं है। सो या वी आर गोइंग विद दिस इन दिस वे। जुगाड़ देवी जुगाड़ इज द बेस्ट जुगाड़। ओके, सो वी विल स्टार्टिंग विद ऑप्शनल, दैट्स क्लियर, एंड वी विल सी यू एट लंच। ओके, सो फाइनली वी विल बी स्टार्टिंग एंड वी विल टेक अ ब्रेक एंड लंच। चलो, एंड इट विल बी लाइव। पता है ब्रश तो हम सब करते हैं, नॉर्मल ब्रश यूज़ करते हैं, बट डिजिटल ब्रश का क्या फ़ायदा है पता है? ये कोनों कोनों में जाके सफाई करता है, मींस ये आपकी ब्रशिंग को धार देता है। ठीक उसी तरीके से अब वो महीना चल रहा है जब हम अपनी पढ़ाई को भी बहुत ज़्यादा धार देने की ज़रूरत है, मींस बहुत ज़्यादा शार्पन करने की ज़रूरत है। सो अभी चल रहा है हमारा लाइव सेशन और अभी बज रहे हैं 1:25 और अब लंच करते हैं और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड इट्स लंच टाइम,
लंच में आज प्याज का पराठा और चाय, क्योंकि मैं दही नहीं खाती भाई। बहुत स्वाद आता है प्याज के पराठे में। एक फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है कि आप अकेले रहते हो तो स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हो। इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में टैकल करूँगी, बट उसके पहले मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि यू नो इन एवरी प्रीलिम्स 30 to 40 क्वेश्चंस आर वेरी इजी। ओके, इट्स 4 o'clock एंड अभी देख लेते हैं कि हमारे क्या क्या टॉपिक्स पूरे हो गए हैं। सो अभी हमारा हो गया है इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस, न्यूज़पेपर हो गया, ऑप्शनल 2 hours हो गया, 2 hours अगेन, 2 बार ऑप्शनल कर दिया है, तो अभी मेरे को GS में थोड़ा सा इशू होगा, स्ट्रेच करना पड़ेगा थोड़ा। मेडिटेट मैंने अब तक नहीं किया सुबह से, कोई ना डरेंगे। सो फटाफट से इधर कर देते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के इसको जगह पर रख देते हैं। अब अपन लेंगे कुछ 1 घंटे का ब्रेक, थोड़ी देर में सो जाऊँगी, उससे पहले बाहर चल के एक बार मौसम देख लेते। मस्त हवा चल रही है, बहुत अच्छा लगता है यार बाहर आके। ये मेडिटेट कर लेते हैं, फ्रेश हो जाएंगे, फिर उठ के वापस से ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करेंगे। प्लांट्स के साथ रेस्ट नहीं ले सकते अगर ये लोग फिर सूख गए तो। थोड़ा पानी डाल देते हैं, इट्स 5 o'clock एंड फटाफट अपन वॉक कर लेते हैं। तो हाँ, मेरी बात अधूरी रह गई थी कि हर प्रीलिम्स में 31 to 35 or 40 क्वेश्चंस तो आसान होते हैं अगर हम रूटीन चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ लें, और कट ऑफ का भी 200 में 200 थोड़ी जाता है यार। तो इसीलिए कम से कम हमें जो स्टैटिक पोर्शन है उसको अच्छे से पहले पकड़ बनानी चाहिए उस पर। बार बारिश हो रही है तो अपने को वापस आना पड़ रहा है, और जब एक बार पढ़ाई कर ली 5 मिनट बाद ही बारिश बंद हो गई, सो वी आर बैक टू द सेम। तो उसके बाद एनालाइज करना चाहिए कि अब क्या करें, अब कहाँ बेटर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ है हमारा ह्यूमन एफर्ट, जितना अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं, जितना टाइम बचा सकते हैं, और अपने हेल्थ का भी साथ में ध्यान रख सकते हैं, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। पता है अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो में देखा था कि इस साल की शायद वो AIR लेस देन 50 है, उन्होंने 4 साल 4th attempt में क्लियर किया है। उनका कहना था कि वो लंच स्किप कर रहे थे। आई इमेजिन कि 1 मिनट पहले तक उन्हें पता तो नहीं रहा होगा कि उनका क्लियर हो जाएगा इस साल, तो मींस वो 5th ईयर में भी शायद लंच स्किप करते। अब इस बात को सुनकर कुछ लोग लंच करना छोड़ देंगे कि हाँ भाई मैं भी फोकस के लिए छोड़ देता है या देती हूँ लंच करना, बट क्या इसका हेल्थ इफेक्ट सही होगा लॉन्ग रन में, सोचना है इस पर। के साथ ही डिनर की तैयारी कर ली है मैंने, ये रोटी वाला कपड़ा भी धो दिया क्योंकि मैंने पराठे खाए थे, दिन में पराठा खाया था इसलिए अभी चावल भी बोया है, अभी सब्जी बनाएंगे और फिर आज सैटरडे है तो मंदिर जाएंगे, काफ़ी लंबे टाइम से मंदिर नहीं गए, और उसके बाद लाइव सेशन शुरू करेंगे। तो फिर हमारी सब्ज़ी बन गई है, शायद थोड़ी ज़्यादा ही बन गई है, फिर बैठी सुबह यूज़ कर लेंगे, कहीं करेंगे वेस्ट नहीं कर सकते। इधर अपना चावल बन रहा है, इधर अपनी पनीर पड़ी है, तो ये सारा दुकान बंद करना पड़ेगा, वो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ये मैंने बाद में डालने के लिए रखा होगा। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मुझे कैप्सिकम बहुत पसंद है, उसका एक रीज़न ये भी है कि ये मसल पेन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अपना समय किसी को मत दो, अपना समय कहीं नष्ट मत करो, जब तक मज़ा आ रहा है तो टाइम और घंटे मत देखो, जितना टाइम है उतना पढ़ो, समझते जाओ, लेकिन प्लीज़ पढ़ाई के नाम पे, प्रिपरेशन के नाम पे, टफ कॉम्पिटिशन के नाम पे अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ क्योंकि मैं ऐसे लोगों को देख रही हूँ जो ऐसा कर रहे हैं एंड उसका बाद में उनको भुगतना पड़ रहा है, वो हॉस्पिटल पहुंच जा रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने से पहले, एंड तमाम चीज़ें, पेरेंट्स को स्ट्रेस हो रहा है, पैसे लग रहे हैं, जो कि गलत है। लाइव सेशन इज़ गोइंग ऑन एंड यू मे फाइंड इट क्यूट, सो इट्स डिनर टाइम। हो सकता हो आपको लगे कि थोड़ा तामझाम कर दिया था मैंने आज पनीर की सब्ज़ी बनाने में, बट मुझे बहुत कम टाइम लगता है इसको बनाने में, प्लस आज सैटरडे है, मेरा चीट मील डे है, बट मैंने कुछ भी बाहर का नहीं खाया, तो मैंने सोचा कि यार अच्छी सब्ज़ी बना लेती हूँ शाम को, एटलीस्ट दिस इज़ लाइक अ ट्रीट टू माई सोल एंड बॉडी, बोल क्या, होप यू टू एन्जॉय एंड या दिस इज़ अ क्यूट बुकमार्क जो आज मुझे ब्लिंकिट से मिला है, मैंने हेयर ऑयल ऑर्डर किया था तब। ओके, एन्जॉय योर फूड। हफ्ते में एक दिन कोशिश करती हूँ कि मैं मंदिर ज़रूर चली जाऊँ, क्योंकि मुझे मंदिर जाके अच्छा फील होता है। मैं रिलीजियस बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं स्पिरिचुअल बहुत हूँ। अब बस अपना टू डू लिस्ट टिक करेंगे, हैबिट ट्रैक करेंगे, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ब्लॉग में सब कुछ टिक 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 हो। टेक केयर, स्टडी हार्ड, बाय बाय।
Okay, now the video is completed. See you next time.